पीसी बिल्ड करते टाइम पे हम लोग किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं? सबसे पहले हमारा बजट क्या होगा, उसके बाद में पीसी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लेने हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, और हम उसमें कौन कौन से गेम्स खेल पाएंगे। पर एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में हम लोग भूल जाते हैं, वो है पीसी टेबल। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जुगाड़ करके अपना पीसी कहीं पे भी रख लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कंप्लीट सेटअप के अंदर टेबल का भी ध्यान में रखते हैं, उसको भी बिल्ड करवाते हैं। तो माय नेम इज़ अंकित एंड यू आर वॉचिंग गैजेट कैप्सूल, और इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टेबल बिल्ड करवाई। तकरीबन एक मंथ पहले जब अपना पीसी बिल्ड कर रहा था, मैं अपने पार्ट्स देख रहा था कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होंगे, उस समय मेरे पास में ऑप्शन नहीं था कि मैं अपना पीसी कहां पर सेटअप करूंगा, क्योंकि उससे पहले मैं अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा था, और अब जब मुझे अपने पीसी की ज़रूरत पड़ी तो मुझे उसके साथ में टेबल भी चाहिए थी, और मुझे उसी के साथ में कुछ चीज़ों को ध्यान में भी रखना था, जैसे केबल मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और उसके अंदर कीबोर्ड स्टेशन होना चाहिए, क्योंकि मैं टेबल की विड्थ ज़्यादा नहीं रख सकता, तो मुझे एक कीबोर्ड स्टेशन चाहिए था जो कि सॉलिड भी हो, क्योंकि नॉर्मली आप देखते हो कि जो कीबोर्ड स्टेशन आते हैं वो स्लाइडिंग वाले होते हैं और वॉबल करने लग जाते हैं कुछ टाइम बाद में। तो मैंने मार्केट में देखना शुरू किया, मुझे ऑप्शन नहीं मिला, बट सडनली मुझे मेरे कारपेंटर के पास में से एक कीबोर्ड स्टेशन मिला जिसको बोर्ड के नीचे की तरफ लगा सकते हैं और जिसका कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी सॉलिड है। और जब मैं बिल्ड कर रहा था तो मुझे पता पड़ा कि मेरे दीवार के अंदर ग्रूव है, इसको भी कट लगवाना था, तो मैंने वहाँ पर भी एक कट लगवाया ताकि टेबल वहाँ पर फिक्स हो पाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कीबोर्ड स्टेशन लगाया, तो अब मैं उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर एक स्लाइडिंग प्लेट लगी हुई है जिसके थ्रू आप इसको स्लाइड कर सकते हैं, बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, और इसको लेफ्ट और राइट भी आप लोग मोड़ सकते हैं। और ये जो कीबोर्ड है इसको आप टेबल के बराबर भी लेकर जा सकते हैं, और वापस से अगर आपको जैसा भी एंगल चाहिए उस एंगल के हिसाब से अपने आप सेट कर सकते हैं। ये काफ़ी सॉलिड है और जैसा स्लाइडिंग वाले करते हैं उतना इसके अंदर बॉबल नहीं होता है। मैंने काफ़ी देर तक इस पर गेमिंग भी करके देखी, पीसी पे काम करके देखा, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इसके साथ में एक और ऑप्शन आता है कि आप माउस पैड भी लगा सकते हैं, बट मुझे माउस टेबल पर ही यूज़ करना था इसलिए मैंने उसको नहीं लगवाया। तो ये तो बात हो गई कीबोर्ड स्टेशन की, मुझे प्लीज़ बताइएगा कीबोर्ड स्टेशन आपको कैसा लगा। हाँ, और एक और चीज़ इसके अंदर कि आपको जब ये यूज़ नहीं करना है तो आप इजीली इसको अंदर स्लाइड कर सकते हो या लेफ्ट और राइट में मोड़ सकते हो ताकि आपके आराम से पैर भी उसके अंदर आ सकें। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इस टेबल की हाइट है वो 31 इंचेस रखी है, तो मेरे हाइट के हिसाब से मेरे लिए काफ़ी कम्फर्टेबल है। और उसके बाद में जो सबसे मेन चीज़ टेबल के अंदर मुझे लगी कि उसके अंदर वायर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए मेरे टेबल के पीछे की साइड में कुछ जगह बची हुई थी, वहाँ पे मैंने एक बोर्ड फिक्स करवाया जैसा कि आपको मैं अभी दिखाऊंगा इसके अंदर, और उसके अंदर मैं अपने वायर्स वगैरह मैनेज करता हूँ ताकि वायर ना के बराबर दिखे। एक वायर जो एक्सटेंशन वाला है वो सिर्फ साइड में जा रहा है, बाकी सारे मेरे वायर उसी के अंदर मैनेज हो गए हैं। और जो ये बोर्ड मैंने इसमें लगवाया है वो एल शेप्ड है जिसके थ्रू आप केबल मैनेज अच्छे से कर पाएंगे। और फिर मेरे को लगा कि केबल बाहर की तरफ निकल रही है तो मैंने पीछे एक और बोर्ड लगाया उसको सपोर्ट देने के लिए, वहाँ पे अब एक्सटेंशन वगैरह आराम से टिक जाते हैं। और केबल मैनेजमेंट मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि काम करते हुए कभी भी आप रूम में आते हैं आपको केबल नीचे लटकी हुई दिखती है तो काफ़ी भद्दा दिखता है, अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो इसलिए मेरे को ये लगवाना था। तो इसके अंदर मैंने 3 होल भी करवाए कि ताकि आप केबल्स को आराम से उसके अंदर डाल सकें। यहाँ पर मैं सिर्फ कीबोर्ड की केबल यूज़ कर रहा था तो मैंने सिर्फ वही डाल रखी है। हाँ, अगर आप यूएसबी हब वगैरह यूज़ करते हैं या कोई और आपके पास डिवाइस है, स्पीकर वगैरह हैं, तो आप मतलब बेसिकली किसी भी चीज़ के वायर जो यूएसबी वाले हैं वो इसके अंदर से ले जा सकते हैं। अगर आपको बड़ा होल चाहिए बड़ा करवा सकते हैं ताकि आप एक्सटेंशन का वायर भी ले जा सकें। तो इस तरह से मैंने अपना केबल मैनेजमेंट किया। और उसके बाद मैंने एक और चीज़ जो टेबल से रिलेटेड नहीं है बट मैंने एक और चीज़ ली, ये मॉनिटर आर्म लिया है। 3500 के आसपास में आ रहा था बट मुझे ऑफलाइन मार्केट में 2500 के आसपास में पड़ा तो मैंने ये ले लिया। इसके अंदर केबल मैनेज करने का भी ऑप्शन आपको मिलता है, आई थिंक अमेजोन बेसिक के अंदर वो नहीं मिलता है। इसके नीचे से आप केबल वगैरह डाल सकते हैं, 1-2 केबल होती हैं जो। और अब आपको मैं बताता हूँ जिसका मैं पर्सनली बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था कि इतना सोचने के बाद में, इतनी चीज़ें ध्यान में रखने के बाद में मेरा फाइनली पीसी लगता कैसा है। और मैंने इस पे ज़्यादा इतना खर्चा भी नहीं किया टेबल पे, बहुत कम रीजनेबल प्राइस में मैंने ये टेबल बनवाई है। उसके बाद में मैं दिखाता हूँ आपको ये कंप्लीट सेटअप लगता कैसा है।
इन दो तीन छोटी मोटी चीजों को ध्यान में रखकर आप अपना सेटअप थोड़ा सा और एस्थेटिक बना सकते हैं। और आपकी स्पेसिफिक कोई थीम को लेकर अगर आप टेबल बना रहे हैं तो आप अपने टेबल का कलर वगैरह भी पहले से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो, और जैसा कि नाम से पता लग रहा है हम लोग इस चैनल के ऊपर गैजेट्स के बारे में बात करेंगे, पीसी के बारे में बात करेंगे और गेमिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।